वीडियो में क्लिक कर ही दिया है तो कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दूँ ताकि मैं भी खुश हो जाऊँ। बाकी चलो अभी जैसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंगल और एसजीओ भाई के बीच में हो चुकी है बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। तो ये सब शुरू हुआ था सिंगल के कमेंट की वजह से, जिसमें एसजीओ भाई बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गए थे। तो नया लेके आओ यार, कब तक यही देखूंगा। अरे सिंगल तुम जाओ रे भाई साला, ये सिंगल सारा इसका चैनल पूरा का पूरा दूसरों के क्लिप्स के ऊपर है और ये बोलता है कि दूसरा लेके आओ। भाई तुम कभी तो ओरिजिनल कंटेंट डाला करो भाई, हम भी तो देखे सिंगल ओरिजिनल कंटेंट कैसे डालता है साला। हर एक यूट्यूबर लाइव स्ट्रीम कर रहा है ना, सिंगल को वहां पे जाके फेम कमाना है। सिंगल बेसिकली वो बंदा है जो बेसिकली दूसरों के फेम के ऊपर अपनी रोटियां सेकता है। क्या तुम लोग मानते हो या नहीं मानते हो, सिंगल आज तुम्हारी ली जाएगी, लेट्स गो। क्या लोग मानते हैं कि सिंगल वो ऐसा बंदा है जो उसको वेरिफिकेशन मार्क मिलने की वजह से दूसरों के चैट में जा जाके अपने को सिग्मा मेल बताता है, पर जबकि वो सिग्मा मेल नहीं, वो चाटता है दूसरे यूट्यूबर्स को। क्या लगता है वो दूसरे यूट्यूबर्स का फेम चाट रहा है या नहीं चाट रहा, क्या लगता है तुमको? लेट्स फाइंड आउट, लेट कमेंट सेशन टेल अस द फैक्ट। क्या सिंगल वही बंदा है ये सिंगल, कि ये बंदा पूरी तरह से दूसरों के क्लिप्स ले लेके अपने चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ा के अपने को वेरिफिकेशन बैच देके और उसके बाद पूरी तरह से दूसरों के चैट में जाके बोलते कुछ तो नया करो। सर आप तो कुछ नया करते ही नहीं हो, आप तो दूसरों के क्लिप्स ढप ढप के अपना फेम कमा रहे हो, पैसे कमा रहे हो, हमारे पैसे वापस दो या फिर लगा दूं भाई कॉपीराइट स्ट्राइक लगा दूं। हां बोलो बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं? इसके ऊपर सिंगल ने भी एक रिप्लाई वीडियो बनाई है, तो वो ये रही। पहले जिस कमेंट के ऊपर एसजीओ भाई गुस्सा हुए थे उस कमेंट को मैं तुम्हें ध्यान से समझाता हूँ। तुम लोग इस कमेंट को ध्यान से पढ़ो, मैंने क्या लिखा था, कुछ तो नया लेकर आओ, कब तक हम यही देखेंगे, याद रखना। मैंने वहाँ पर यह नहीं लिखा था कि आप एल्डर रिंग को बंद कर दो और कुछ नया लेकर आओ, और कब तक देखूंगा ये नहीं लिखा था, और कब तक देखेंगे ये लिखा था, क्योंकि मैंने हम सब के लिए लिखा था कि हमें एल्डर रिंग की तरह भी कुछ और नया कंटेंट मिले जिसे हम एंजॉय कर सकें। और मेरे लिखने का मेन कारण यह था कि मैं उस ऑडियंस में नहीं आता हूँ जो कि माइनक्राफ्ट और हिमलैंड्स देखने के लिए एसजीओ भाई के चैनल पे आती है, मैं उस ऑडियंस में आता हूँ जो हर तरह की वीडियो देखती है, मैं उस ऑडियंस में आता हूँ जो कि है ऑनेस्ट जियोस। एसजीओ भाई मैं आपसे पूछता हूँ, आप खुद बताओ आप कितने आलसी या फिर इतने व्यस्त हो चुके हो कि आप नए वीडियोस या फिर नए गेम प्लस खेलते भी नहीं हो और डालते भी नहीं हो इतने जल्दी। यार मैं ऑनेस्ट जियो हूँ, मुझे वो पहले वाला डोपामिन चाहिए जो 2 साल पहले मिलता था, जो कि अब नहीं मिलता है। सिंगल के रिप्लाई वीडियो का रिप्लाई देते हुए एसजीओ भाई एक लाइव स्ट्रीम करते हैं। स्पैम करना है एग्जैक्टली, स्पैम क्यों कर भाई, अगर देखो थोड़े से भी बंदे को समझ आना तो सब पता होता है कि किसी यूट्यूबर को सबसे ज्यादा चिढ़ होती है उसकी चैट में जब स्पैम होता है। देखो सिंपल लॉजिक है एक, मतलब यूट्यूब अभी मैं 13 साल से करता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब अभी ये 7 साल से कर रहा है ड्रीम बॉय। एक ना सिंपल कोड होता है, लाइक एक ब्रो कोड जैसे होता है ना, वैसे यूट्यूबर हम कलीग्स हैं एक दूसरे के, हमें जो सफरिंग हो रही है वो सामने वाले को भी सफरिंग हो रही है हमें पता है, वी फील ईच अदर। इसलिए हम लोग कभी भी कोई भी एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर के कमेंट में जाके ये स्पैम करता है कि डब्ल्यू करो या फिर बहुत ही ज्यादा ये प्यार दो इसको, इसके ऊपर बारिश करो खुशियों की, ये सारी चीजें होती है और यहाँ कुछ लोग हेट भी देते हैं, वो भी होता है। पर एक्चुअली में अगर कोई नॉर्मल बंदा है उसका एक नियम होता है, वो अपना नाम दूसरों के लाइव स्ट्रीम में स्पैम करवा रहा है। जस्ट इमेजिन गाइस, जस्ट इमेजिन, चलो मान लो अब एसजीओ भाई है, एसजीओ भाई जाके इंडिया का टॉप यूट्यूबर कौन है, कैरी मिनाटी की स्ट्रीम पे जाके एसजीओ भाई कमेंट सेक्शन में जाके लिखे गाइज स्पैम एसजीओ, क्यों? मतलब तू कुछ अच्छा स्पैम करवा, अच्छे से कहती। इस कंट्रोवर्सी पर 4x4 गेमिंग ने भी अपना रिएक्शन दिया है। मतलब आप क्या कहना चाहते हो, क्या आप उससे अपने लिए कोई कंटेंट मांग रहे हो कि भाई कुछ तो ऐसा नया खेलो कि मुझे भी कुछ बनाने को मिले, क्योंकि वो एल्डर रिंग खेल रहे थे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। या फिर आप ये कहना चाहते हो कि भाई आप माइनक्राफ्ट बहुत ज्यादा खेलते हो, क्या नया गेम्स खेलो? तो चलो भाई इसी बात का जवाब देते हुए मैं थोड़ा सिंगल भाई को कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप कहना क्या चाहते थे, क्योंकि यार इस कमेंट से तो साफ साफ पता चल रहा है कुछ तो नया लेके आओ यार, कब तक यही देखते रहेंगे। मतलब भाई इजियो 18 एक ऐसा बंदा है, सच बताऊं तो भाई मैं शुभ बॉय से इसको कंपेयर करता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा है जो माइनक्राफ्ट के अलावा ये बंदा सारे नए गेम्स खेलता है जितने भी आते हैं, चाहे वो स्टीम पे आया हो या फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म पे आया हो, इसने भाई सारे गेम्स खेले यार। तो ये मतलब
क्या कहना चाहते हो सिंगल भाई, मैं समझा नहीं। और शायद इजियो 18 भाई भी इसी बात पे ही भड़के होंगे कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो कि कुछ तो नया लेके आओ। मतलब क्या नया लेके आया यार। गाइस जब आप इस वीडियो को देखोगे ना और इस टाइमलाइन पे आओगे यानी कि 1 मिनट 30 सेकंड यानी कि लगभग 1.5 मिनट पे आओगे तो इसमें एक बात और सुनने को मिलेगी कि इजियो भाई मुझे आपके वीडियोस देख करके पहले वाला डोपामाइन नहीं मिलता जैसा पहले पुराने दिनों में मिलता था जब मैं आपकी पहले वीडियो देखता था। तो भाई मैं आपको बता दूं सिंगल भाई आप कहना क्या चाहते हो, मतलब भाई आप ये कहना चाहते हो कि आप अलग अलग गेम मत खेलो एक ही गेम खेलो। तो भाई मैं आपको बता दूं इजियो भाई 1-2 साल पहले भी मल्टीपल गेम्स खेलते थे और अब भी मल्टीपल गेम्स खेलते हैं। एक तरफ से देखा जाए तो दोनों की गलती है, एक तरफ से देखा जाए तो किसी की भी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इजियो भाई की तरफ हूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।